हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर नंबर 10 रोमन नंबर्स। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट रोमन सिंबल्स। सेकेंडरी थिंग, कन्वर्ट हिंदू अरेबिक नंबर इन रोमन नंबर एंड कन्वर्ट रोमन नंबर्स इनटू हिंदू अरेबिक नंबर्स। इस चैप्टर में हम पढ़ने जाएंगे रोमन सिंबल्स को कि रोमन सिंबल्स कौन कौन से हैं, किन किन सिंबल्स का यूज हम कर सकते हैं। सेकेंडरी थिंग, हिंदू अरेबिक नंबर्स को रोमन नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करना है। और थर्ड थिंग, रोमन नंबर्स को हिंदू अरेबिक नंबर्स में कन्वर्ट कैसे करना है। सो लेट अस स्टार्ट विद रोमन सिंबल्स। रोमन नंबर्स के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि क्लास सेकेंड से पढ़ते हुए आ रहे हैं रोमन नंबर्स को। और आपको पता है कि रोमन नंबर्स का इन्वेंशन जो हुआ है वो रोम कंट्रीज में हुआ है, इसलिए उन्हें रोमन नंबर्स कहते हैं। और हिंदू अरेबिक नंबर्स का इन्वेंशन हिंदुस्तान और अरब कंट्रीज में हुआ है, इस कारण से हमें हिंदू अरेबिक नंबर्स कहते हैं। अब रोमन नंबर्स को लिखने के लिए उन्होंने हिंदू अरेबिक नंबर जो है उन्हें रोमन नंबर में लिखने के लिए कुछ सिंबल्स दिए हैं। और वो सिंबल्स कौन कौन से हैं, जैसे फर्स्ट सिंबल है आई, ठीक है, आई इंडिकेट्स वन। फिर है वी, वी इंडिकेट्स फाइव, मतलब यदि फाइव लिखना है तो फाइव के लिए हम वी यूज करेंगे। फिर है एक्स, एक्स इंडिकेट्स टेन, टेन के लिए एक्स का यूज किया जाता है। फिर है एल, एल इंडिकेट्स फिफ्टी, फिफ्टी के लिए एल का यूज करेंगे। वैसे ही 100 के लिए सी, 500 के लिए डी और 1000 के लिए एम का यूज करते हैं। इन सिंबल्स को भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, कुछ बच्चों ने शायद 100 तक ही पढ़े होंगे, आगे डी और एम नहीं पढ़े थे। इसमें एक नया सिंबल और जुड़ा है, इसे अपन कहते हैं बार। क्या कहते हैं, बार। इस सिंबल का यूज किया जाता है यदि आपको 3000 से ज्यादा के नंबर्स का यूज करना है, ठीक है, जैसे 4000 लिखना है या 5000 लिखना है या 10000 लिखना है, तो किस तरीके से लिखोगे। एम को 10 टाइम्स लिख नहीं सकते क्योंकि आपको पता है कि रोमन नंबर जो रहते हैं उसमें हर एक सिंबल को हम मैक्सिमम 3 बार ही लिख सकते हैं। और कुछ सिंबल ऐसे भी हैं जिनको हम केवल एक ही बार यूज कर सकते हैं, जैसे वी, एल, डी, इनका यूज केवल सिंगल टाइम ही होता है। क्यों, क्योंकि वी का यूज करते हैं 5 के लिए और 10 यदि हमें लिखना है तो हम डबल वी की जगह एक्स का यूज करेंगे। वैसे ही 50 के लिए एल का यूज करेंगे और 100 भी लिखना है हमें तो हम सी का यूज करते हैं। वैसे यहां पर 1000 के लिए एम का यूज करते हैं तो हम डबल टी और डबल एल का यूज नहीं करते। तो ये सिंबल जैसे वी, एल और डी जो है वो सिंगल टाइम यूज होते हैं, बाकी आई, एक्स, सी और एम इनका यूज मैक्सिमम 3 टाइम ही होता है एक साथ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम कन्वर्जन ऑफ हिंदू अरेबिक नंबर इंटू रोमन न्यूमेरल्स। यहां कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनको हमें रोमन नंबर्स में चेंज करना है। जैसे पहला दिया है 29, 29 का आप देख सकते हैं 20+9 लिख सकते हैं। यहां 20 का मतलब है 2 टाइम 10, 10+10 20 होता है, तो हम x का यूज करेंगे 2 बार, 20 हो गया। और 9 के लिए क्या यूज करेंगे हम, i और x, तो ये हो गया 29। आपको 1 से लेके 50 तक के रोमन नंबर्स एटलीस्ट याद होने चाहिए, और 1 से 50 तक के रोमन नंबर्स याद नहीं है सॉरी, तो आप उसके पहले 1 से लेके 10 तक के रोमन नंबर्स याद कर लें और फिर 10, 20, 30, 40, 50 इनके सिंबल्स याद कर लें, तो आपको रोमन नंबर सीखना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहां पे 36 लिखा हुआ है, 36 मीन्स 30+6 और 30 का मतलब होता है 10+10+10, यहाँ 5 और 1, ठीक है। 10 3 टाइम आ रहा है तो हम 3 टाइम x का यूज करेंगे, और 1 बार 5 है तो v और 1 है तो 1। यदि मान लो यहीं पे 4 होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 4 होता, तो यहाँ क्या लिखते हैं हम, 5-1। और मैंने बताया है पहले भी, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जब कोई बड़े सिंबल के पहले छोटा सिंबल यूज किया जाता है तो वहां माइनस होता है। जैसे यहाँ पे वी और आई यूज किया है, बड़े के बाद छोटा सिंबल यूज हुआ है तो यहाँ प्लस हो रहा है, लेकिन इसी को हम एक्सचेंज कर दें, आई और वी कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, 4, 5-1 हो जाएगा। तो इस तरीके से रोमन नंबर लिख सकते हैं। आगे आया 125, इसको आप 100+20+5 इस तरीके से लिख सकते हैं। 100 के लिए सिंबल था सी, 20 के लिए है डबल एक्स और 5 के लिए है वी, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ 268 दिया हुआ है, तो 268 कैसे लिखेंगे भाई, 200+60+8। अब 200 मीन्स 100+100, 60 मीन्स 50+10 और
8 means 5 plus 3. इसे कैसे लिखेंगे? 100 दो बार सी लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर 50 के लिए एल यूज करेंगे, 10 के लिए एक्स यूज करेंगे, और 5 के लिए वी, और 3 के लिए ट्रिपल आई। तो इस तरीके से क्या आ गया ये 268। सेम कंडीशन यहां करेंगे 1290। तो जो 1290 दिया हुआ है भाई, 1000 है प्लस 200 है प्लस 90 है। अब आप देख सकते हैं कि 1000 तो ठीक है, 200 मींस 100 प्लस 100 हो गया, और यहां 90 मींस हो गया 100 माइनस 10, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे? 1000 के लिए सिंबल क्या था? M, 100 के लिए है डबल C, और 100 माइनस 10 मींस X और C, क्योंकि X एक छोटा सिंबल है और C बड़ा सिंबल है, तो यहां पर हम X स्क्वायर C के पहले लिखेंगे तो 100 माइनस 10 हो जाएगा, और x को c के बाद लिखेंगे तो 100 प्लस 10 हो जाएगा। इस तरीके से आप हिंदू अरेबिक नंबर्स को रोमन न्यूमेरल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि यदि मान लो इसी में 5000 होता तो कैसे लिखेंगे। मान लिया लीजिए उन्होंने 5000 को चेंज करना है, 5200 कर देते हैं, चलिए 5200 को चेंज करना है, तो आपके पास m तीन ही बार यूज कर सकते हो। इसके आगे कैसे करेंगे हम? 5 का सिंबल क्या है? भी, और इसके ऊपर बार लगा देंगे तो ये हो जाएगा 5000। बार का यूज करते हैं हम जब हमें बड़े नंबर्स लिखने होते हैं, 5000, 6000, 10000, 20000 इस तरीके से। तो जो 5 है उसका सिंबल लिखेंगे, उसको बार लगा देंगे तो ये हो जाएगा 5000, और फिर 200 तो डबल सी। इस तरीके से आप रोमन नंबर्स में हिंदू अरेबिक नंबर्स को लिख सकते हो। अब हमें देखना है कि रोमन नंबर दिया हुआ है और हिंदू अरेबिक में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। चलिए अब हम चेंज करेंगे रोमन नंबर्स को हिंदू अरेबिक नंबर्स में। यहां क्या दिया हुआ है? एक्स, और यहां क्या दिया है?